तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि गटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो अभिलेख हैं ये संबंधित हैं ककुका प्रतिहार शासक से, ठीक है। ककुका प्रतिहार शासक से संबंधित है कौन सा अभिलेख, तो आपको याद रखना है वो अभिलेख है गटियाला प्राकृत अभिलेख। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि वीर विनोद का लेखक कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि वीर विनोद का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है वीर विनोद का जो लेखक है वो है कविराज श्यामल दास। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। तो वह शिलालेख है सामोली का शिलालेख, ठीक है। सामोली का शिलालेख वह शिलालेख है जो गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। अगला सवाल है कि कानड़ते प्रबंध किसके द्वारा रचित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कानड़ते प्रबंध है जो किसके द्वारा रचित हैं, तो आपको याद रखना है ये रचित हैं पद्मनाभ द्वारा। अगला सवाल है कि गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो शिलालेख है ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि कंतगरे के माविया तेहारो गणत्रास लेंगे मुझ लुकुजिए बेरी रो न विशास, उपरोक्त दोहा है जो खालिस्तान द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है कि ये दोहा किसके द्वारा रचित है या लिखा गया है, तो आपको याद रखना है यह लिखा गया है सूर्यमल मिश्रण द्वारा। क्या दोहा है वापस से पढ़ो कि कंत गरे किम माविया तेहारो गणत्रास लेंगे मुझ लुकी जिए बेरी रो नविशास, उपरोक्त दोहा है जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित हैं। अगला सवाल है कि वह अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो अभिलेख हैं ये अभिलेख हैं गटियाला अभिलेख, ठीक है। गटियाला का जो अभिलेख है वह प्रतिहार शासक ककुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है। अगला सवाल है कि कानड़ते प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और मैंने अभी पूछा भी था कि कानड़ते प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है इसका जो लेखक है वह है पद्मनाभ। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम डिजिटल अर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये स्थित है बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर में क्या स्थित है, तो बीकानेर में भारत का प्रथम डिजिटल अर्काइव राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। अगला सवाल है कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि द अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है, तो आपको याद रखना है ये रचना है डॉक्टर दशरथ शर्मा की। अगला सवाल है कि राव जयसिरो छंद के रचयिता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ भी गया है और इस प्रश्न को आपको रट लेना है क्योंकि इस प्रश्न के आने के 99% चांस है कि राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है इसके जो रचयिता है वह है बीटू सूजा। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित हैं, तो ये जो अभिलेखागार है ये स्थित हैं बीकानेर में। अगला सवाल है कि किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाभ भाग का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है इसका जो उल्लेख प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी से, ठीक है। चिकली ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाभ भागों का उल्लेख है जो प्राप्त होता है किससे, चिकली ताम्रपत्र से। अगला सवाल है कि महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है, तो वह कथन बताना है जो गलत है, तो वह कथन है वे मेवाड़ के निवासी थे। कौन वे कौन, तो सूर्यमल मिश्रण के बारे में बात हो रही है कि सूर्यमल मिश्रण है जो मेवाड़ के निवासी थे, तो ये कथन है जो एकदम गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मुंडियारी ख्यात का विषय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और तो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मुंडियारी ख्यात का क्या विषय है, तो आपको याद रखना है इसका जो विषय है वह है मारवाड़ के राठौड़। अगला सवाल है
कि किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे वो आपको बताना है। तो ये जो थे ये थे महिपाल के दरबार में, ठीक है। महिपाल प्रतिहार शासक था जिसके दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे, ठीक है। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलजी जारी किया। तो आपको याद रखना है सिक्का एलजी जो जारी किया था वो किया था अकबर ने, ठीक है। अकबर मुगल शासक था, अकबर वह मुगल शासक था जिसने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलजी है जो जारी किया था। किसने किया था तो आपको याद रखना है ये जारी किया था अकबर ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चौहान के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो आपको याद रखना है वह अभिलेख है कौन सा, तो आपको याद रखना है वह अभिलेख है मान मौर्य का अभिलेख, ठीक है। मान मौर्य का अभिलेख वह अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। कौन सा अभिलेख, तो मान मौर्य का अभिलेख। अगला सवाल है कि म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपको याद रखना है इसके जो लेखक हैं वह हैं आई टी प्रिचार्ड जो हैं वह म्यूनिटीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक है। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि म्यूनिटीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक है वो है आई टी प्रिचार्ड। अगला सवाल है कि बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात है जो अति लाभदायक हैं। तो अति लाभदायक ख्यात बतानी है तो वह ख्यात है दयालदासरी ख्यात, ठीक है। दयालदासरी ख्यात वह ख्यात हैं जो बीकानेर के इतिहास लेखन में सबसे अति लाभदायक ख्यात हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे महाराजा रतन सिंह, ठीक है। महाराजा रतन सिंह वह शासक थे जिन्होंने दयालदास को संरक्षण प्रदान किया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित कृति कौन सी है, तो वो आपको बताना है। तो वह कृति है वीर सत्सई, ठीक है। वीर सत्सई वह कृति है जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो आपको याद रखना है ये कहा गया है बिजोलिया अभिलेख में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो आपको याद रखना है ये कहा गया है बिजोलिया अभिलेख में। अगला सवाल है कि जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी। तो जयानक ने की थी पृथ्वीराज विजय की रचना। लास्ट और अंतिम सवाल है कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, क्योंकि पहले अभी 23वां क्वेश्चन यही पढ़ा था, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न के आने के 99% चांस है, और इसलिए मैंने दूसरी बार रिपीट भी किया है, ठीक है। तो आपको रट लेना है कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है। तो आपको याद रखना है ये कहा है बिजोलिया अभिलेख में। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न देखे हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।